Hi Anupam. Hi. Welcome to Art Keeper, and today we'll be talking to Anupam Roy. आज बातचीत करेंगे अनुपम रॉय से. अनुपम, पहले आप ये बताइए कि इस एग्जीबिशन का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है ब्रोकन कॉग्स इन द मशीन. एंड व्हाट इट मींस, क्या है इसका मतलब? क्या बोले, बड़े मशीन का टूटे हुए पुर्जे. अच्छा, मोस्टली दीज आर ड्रॉइंग्स, राइट? या ड्रॉइंग्स, फोटोग्राफ्स, एचिंग, मोनोप्रिंट, देयर इज स्कल्पचर, देयर इज वन वीडियो, देन लॉट ऑफ पब्लिकेशंस लाइक जीन, booklet. There is a one book I have published called Weaving Labyrinth. Okay. So these are like, there are a lot of mediums like watercolor, oil, painting, gouache. Yeah. There are a lot of different kinds of mediums. बहुत सारा काम, मैंने अलग अलग तरह का वो है. जो size है, this is like huge works, right? Yeah. How much time you have taken? Like कितने साल का काम है ये? ये 2 से 2.5 साल का काम है. 2019 के पहले का जितना मेरा काम था वो तो मैंने प्रोजेक्ट 88 में शो किया था. ओके. और उसके बाद अभी जितना 2019 के बाद से जो भी काम किया है वो इस डिस्प्ले में है. वो इस डिस्प्ले में है. नाउ आई लाइक टू गो बैक टू योर पास्ट, टू योर डेज इन स्कूल एंड द वे यू आर ब्रॉट अप. कहाँ पे आपकी मतलब पैदाइश कहाँ पे हुई थी? यू आर बॉर्न. मेरा जन्म तो सिलचर में है. सिलचर, असम. असम में. ओके. पापा का नौकरी था वहाँ पे, तो वहीं पे जन्म हुआ. लेकिन मेरे पास वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, तो पापा लोगों ने जब दिया कलकत्ता में, बंगाल में, नॉर्थ 24 परगनास में घर खरीदा पापा का रिटायरमेंट के बाद. ओके. पापा मैकेनिक में, मैकेनिकल हैं, मैकेनिक हैं, आर्मी में नौकरी करते थे टर्नर के बतौर. तो फिर उनका रिटायरमेंट के बाद उसी मैंने उस समय पे घर खरीदा. तो तो मेरा जो मैंने पासपोर्ट वगैरह या उसमें लिखा हुआ है कि मैं यहाँ का हूँ, मतलब बंगाल. तो उसके बाद क्या, पापा का नौकरी की वजह से हम लोग अलग अलग जगह घूमते रहे. मेरा छोटा बचपन का पढ़ाई झारखंड, जो अभी झारखंड है, पहले तो बिहार था, मतलब कतराजगढ़ धनबाद में पढ़ाई लिखाई हुआ बचपन का. ओके. फिर बंगाल आ गए, फिर वहाँ से मैंने आर्ट कॉलेज पढ़ाया, चाँदपाड़ा में, बंगाल फाइन आर्ट कॉलेज जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है. ओके. उसके बाद मैं दिल्ली आ गया नौकरी करने, एड एजेंसी में नौकरी करता था. फिर 6 साल मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ रहा, अभी भी हूँ. और उसके बाद फिर से मास्टर्स में पढ़ा अम्बेडकर से, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली से 2014-16. ओके. फिर से जॉब किया किरण नगर में, फिर मुझे चार्ल्स वालेस मिला. तो चार्ल्स वालेस कौन सा ईयर? 2019-20. ओके. वो एक साल में, मैं एक साल का पढ़ने गया था लेस्टर में. ओके. तो वहाँ से लौटा, लौट के फिर वही जो काम कर, उसके बाद से ये काम शुरू किया आपने? नहीं, वहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी ये काम, मतलब ये क्या, यूके में जो भी अब जब स्टूडेंट में थे तब भी कुछ काम है जो, जैसे ये जिस रूम पे बैठे हुए हैं, ये काम एक्चुअली लेस्टर में ही बनाया था एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के दौरान. ओके. तो इसमें से 4 घंटे में ये काम प्रोड्यूस किया है. फिर इसमें इतना सारा गैप्स है, इसलिए उसमें फोटोग्राफ्स देखे, उसको फिर से अलग एक व्यू देने का कोशिश है यहाँ पे. ओके. ये बेसिक जो बड़ा काम है, बिकम अ बैकग्राउंड. So tell me one thing, like the kind of imagery you have created, इसके पीछे क्या सोच है? मतलब मुझे देख के जितना समझ आता है, you are deeply connected with the society and the political turmoils and all that. You are politically knowledgeable, totally आप उसकी सोच को रखते हैं, जानते भी हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एंड इट हैज इन्फ्लुएंस्ड योर वर्क समवेयर, राइट? या, टोटली. सो वाज इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक ये क्या आपके कॉलेज के दौरान भी ही काम आप इसी तरह के सोच रखते थे? हाँ, मतलब उसी समय, मतलब जब हम लोग का ऐसे, हम जो एक, मैं 85 बॉर्न हूँ, तो मेरा कॉलेज वही 2004-08 ग्रेजुएशन, उसी समय सोचिए 7-6-7 में सिंगुन नंदीग्राम हो रहा है, मैं बंगाल का हूँ. तो वहाँ से ही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो रहा है ना कि
तो उसके बाद मैं दिल्ली आया तो मेरा ऐसे लेफ्ट के बारे में बहुत डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि CPM को देखते बड़ा हुआ हूँ, द कम्युनिस्ट पार्टी. हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट. तो लेकिन फिर मैं दिल्ली आया तो पता चला उतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं था मार्क्सिज्म के बारे में, लेकिन यहाँ देखा कि मतलब बाद में पता चला हिस्ट्री बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. फिर मैं CPIM में लिबरेशन ज्वाइन किया 2008 एंड में. उससे समय से आज भी मैं उसी में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तो उसके साथ साथ बहुत सारे मूवमेंट में जहाँ पे पार्टी का काम नहीं है, उस सब जैसे बहुत सारे लैंड मूवमेंट, आदिवासी मूवमेंट में, उस सब मूवमेंट में रहना, या जैसे सेकुलर आर्ट मूवमेंट हो रहा अभी मैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग और अम्बेडकर उसमें ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल उनके साथ भी ज्वाइन, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ. तो इस तरीके से मतलब ये जो ओवरऑल आज के डेट में, तो और भी ज़्यादा 2014 से लेके अभी तक तो जैसे पूरा थोड़ा फैसिस्ट दौर चल रहा है, एक तरफ बुलडोजर राज, एक तरफ ये फैसिस्ट गवर्नमेंट जो सब कुछ भेज दे रहा है, यू नो, और मैंने यंग लोगों के पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, सब प्राइवेटाइज कर दे रहा है. उसके बाद मतलब जो भी मॉब लिंचिंग ये वो जितना सब हो रहा है, आप उसको वो आप एज एन आर्टिस्ट, एज एन आप भी आर्टिस्ट हो, आपने भी अपने समय को ही पकड़ने की कोशिश किया है, और वही हम लोगों का भी वही काम भी वही है कि अपने समय को देखना. तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ऐसे सब लोग हैं, पॉलिटिक्स क्या है जब आप वोट देते हैं, मेरा ये कहना है कि हर इंसान जब वो वोट देता है हर कोई पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है. इवन अगर वोट नहीं भी देता है लेकिन वो सोचता है ना, सोचता है तो मतलब वो राजनीतिक है, बिल्कुल है ना. तो और जब आप देश के दायरे में रहते हैं, जब आप किसी देश के सिटीजन हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तब पॉलिटिकली तो हो ही गए. हाँ, कोई भी सुविधा ना भी मिले, सुविधा कितने लोगों को मिल रहा है, किस किस परसेंटेज को मिल रहा है, वो तो सिर्फ एक या 10% भी लोग नहीं है. तो 90% लोगों को वो फैसिलिटी मिल नहीं रहा है, या बहुत लोगों का वोटर राइट भी नहीं है, या मतलब कितने लोग वोट दे सकते हैं. ये तो 30% लोग वोट दे के इस तरह के लोगों को ले आते हैं पार्लियामेंट में. तो वोट का भी ऐसे बहुत मतलब है ऐसा नहीं है, लेकिन जनता तो देता है, जनता को अभी भी लगता है कोई जागेगा और जाके हम लोगों का सुधार देगा, तो आपको पार्टिसिपेट भी करना होता है. लेकिन मामला ये है कि आपके सामने भी सब चीज़ें हो रहा है ना, तो और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ज़माने में बहुत बढ़िया था और अभी हर हर वक्त रहा है. हाँ, रहा है, लेकिन अलग अलग आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा है. आज ऐसा एक दिन है जहाँ पे रेप, हर जगह ये फॉर्म चेंज होता जाता है, रंग और रूप बदलता रहता है, रहता हमेशा बदल रहा है, लेकिन उसका उसका वाइब्रेंसी भी बदलता है ना. बिल्कुल, जैसे पहले इतना नहीं था कि कोई यू नो रेप करके फिर उसका जुलूस निकलता है, या जो मॉब लिंच करता है उसको माला पहनाया जाता है. अफराजुल ने मॉब लिंच किया और उसको अभी वो तो MLA का सीट में लड़ता है. तो ऐसा तो मतलब बहुत चीज़ें हो रहा है जो पहली बार भी हो रहा है. और लेकिन ये जो भी वायलेंस है, लैंड एक्विजिशन को लेके हो, मूवमेंट हो, या ये जो लोगों CNRC से मूवमेंट हो, या फार्मा मूवमेंट हो, बहुत सारे बहुत तरह के लोगों पे ऑपरेशन चल रहा है और अलग अलग ढंग से. मुद्दा बात ये है कि कैन योर आर्ट गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट? या ऑब्वियसली, मतलब आपका समय, आप उस समय पे हैं तो उस समय तो आपको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, रिफ्लेक्ट करना वही आपका काम है. बिल्कुल बिल्कुल. I'm entering the space of Vadra Art Gallery, New Delhi, in Defence Colony. There's an exhibition going on called Broken Cogs in the Machine, works by Anupam Roy. As you can see, these are mostly black and white works, and there are a few color works are also there, mostly on paper, diaries, video art. A lot of things are there. Make it a point to visit this show in a physical form. Aur agar miss kar jate hain to Art Keeper to hai aapke saath. It will always be there with Art Keeper. You can keep watching this as many times you wish. Drawings ka jo value hai, drawings ka jo importance hai, wo aap is exhibition mein dekh payenge. And you can also meet the artist. And he is always there. So it will be over by 4th or 6th of August 2022. So if you are watching this video and you are in Delhi, please do visit this exhibition. Please have patience. Watch the entire video. Isme inke interviews bhi hain.
आप आर्टिस्ट की बातें सुन पाएंगे, उनकी सोच सुन पाएंगे, इनके काम के पीछे उनकी क्या सोच है. सो स्टे विथ दिस वीडियो टिल द एंड पार्ट. सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड आई नीड योर सपोर्ट. यस, आई नीड योर सपोर्ट. आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे. सी दिस वर्क, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, इट्स सो हार्ड हिटिंग, इट्स ऑन योर फेस काइंड ऑफ वर्क. दिस ड्रॉइंग्स आर सो पावरफुल, दे आर डोमिनेटिंग दिस स्पेस, दिस एंटायर स्पेस. एंड दैट्स द आर्टिस्ट ऑन योर राइट, जो बेंच पे बैठे हैं. सो एंजॉय द एग्जीबिशन, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. Thank you.
this all funding going to Afghan, this Modi government has stopped all funding. He also published few books which carries his drawings. इनमें उनकी drawings हैं, उनकी diaries यहाँ आप देख पाएंगे, notebooks देख पाएंगे, उनका video art भी यहाँ पे है. He's very politically aware and social, political and economic जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में उनका impact इनके काम में भरपूर है, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है उनके आर्ट को. सो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम वी आर लिविंग इन. इट्स डूइंग एब्सोल्यूट जस्टिस, यू नो, टू व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो. लुक एट दिस वर्क, इट्स ह्यूज. And this black and white medium is so pure, and it makes a lot of impact. It makes a lot of impact.
प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, स्टे विद आर्ट कीपर. दिस इमेजेस, ऑल दिस इमेजेस, ये जो सारी इमेजेस हैं ये सेलेबल नहीं है मेरे तरफ से. मुझे जितना लगता है कि कोई अचानक आके खरीदने वाला कोई नहीं होगा. खरीदेंगे शायद, कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं खरीदेंगे. क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जीने के लिए टू सर्वाइव एज एन आर्टिस्ट बाय मेकिंग दिस काइंड ऑफ इमेजेस इट विल बी डिफिकल्ट? क्वेश्चन ऑफ सेलेबिलिटी आज बाइबल से, बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकता है मार्क्स का कैपिटल. कुछ भी बिकता है इस दुनिया में, है ना. लोग, इंसान के आइडिया बिक जा रहा है, काम तो दूर में छोड़ दीजिए. बात यह है कि कोई ये सोच के तो नहीं बनाता है, कि मैं तो नहीं बनाता हूँ कि ये सोच के कि ये आप नहीं बनाते, लेकिन काफी लोग सोच के बना है. जो मैं सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपनी बात कर रहा हूँ. तो जो काम है, जो मूवमेंट में जो आपको काम करना है, जिस काम को जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, आपका भी सोच है, आपका पढ़ाई लिखाई है, आपका अपना देखने का तरीका है, उस तरीके से आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. पता नहीं मैं 2 साल बाद ऐसा काम करूंगा नहीं करूंगा, है ना. तो क्योंकि क्या मेरा जो समझदारी बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, क्या करूँगा. हाँ, बेचने के लिए जो मामला है या बिकता है या नहीं है, बहुत लोग खरीदते हैं. सुधीर पटवर्धन ने मेरा काम खरीदा है. Excellent. एक किसी साइकियाट्रिस्ट ने मेरा काम खरीदा है. कोई यहीं पे नौकरी करता होगा, वो शायद उसके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा होगा, वो खरीदेगा. ठीक है, कोई सब. और सबसे बड़ी बात, इतने दिन से 15-16 साल से सब मैंने अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं इस फील्ड में, तो ऐसा तो नहीं है सब हर समय बेच बेच के सपोर्ट किया. बिल्कुल. तो कितने सारे दोस्त लोग हैं, कॉमरेड लोग हैं, जिन्होंने, जिनको थोड़ा कॉलेज में नौकरी मिल गया, उन्होंने कभी पैसा दिया. कुछ लोगों ने अलग अलग फॉर्म में लोगों ने सर्वाइव कराया है ना. और सिर्फ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट यू थिंक दैट यू शुड सेव गार्ड दिस स्टाइल एंड सेव गार्ड दिस थॉट प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स? स्टाइल का पता नहीं, लेकिन थॉट्स तो ऑब्वियसली कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. मतलब कॉम्प्रोमाइज मैं तो नहीं करूँगा. ओके, इतना तो अभी तक तो लगता है, उतना दम तो है. ग्रेट ग्रेट. फॉर्मल एडुकेशन इन आर्ट, डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट? लाइक आपका, जैसे मुझे मालूम है आपने आपने बताया आपका चार्ल्स वॉलेस मिला हुआ था, फिर आप यहाँ पे गए, फिर आपको फिका के साथ भी आप जुड़े. फिका भी आप इमेजिंग आर्टिस्ट, यू गॉट द इमेजिंग आर्टिस्ट फ्रॉम फिका. बट यू हैव ए प्रॉपर एकेडमिक प्रोसेस. सो डू यू बिलीव दैट एकेडमिक प्रोसेस एक आर्टिस्ट के ग्रोथ के लिए और एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, या सेल्फ टॉट होना है, या कोई गलत नहीं है? नहीं, ये तो गलत. जैसे हमारे मतलब अशोक भौमिक, अशोक दा हैं, अशोक दा तो सेल्फ टॉट हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ काम किए जा रहे हैं इतने सालों से. 25 साल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें भी काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी उनका धूमिमल में. बिल्कुल ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कोई सेल्फ टॉट हो या एकेडमिक हो, लेकिन मेरे लिए लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए. क्योंकि हम लोग जिस तरह के जगह से आते हैं, अभी आज के डेट में आप देखिए कि आप आर्ट में सर्वाइव करना है आपको, तो आपको प्रपोजल लिखना है, आपको ग्रांट में अप्लाई करना है. ये तो हमारे समय का, एज एन इवन इफ यू थिंक दैट वी आर वर्किंग क्लास ऑफ दिस इंडस्ट्री, आर्ट कल्चरल इंडस्ट्री, आर्ट इंडस्ट्री, तो उसका जो भी उसका जो डायमेंशन है, उसके साथ साथ मुझे भी जब लोगों ने, जब लैपटॉप माने कंप्यूटर आया और टाइपराइटर चला गया, वर्कर लोगों ने क्या कंप्यूटर नहीं सीखा? सीखता ही है. तो आपके डेट में जो अपडेटेड पढ़ाई लिखा है वो भी सीखेंगे. बात ये नहीं है कि आप एकेडमिक हो नहीं हो, आपने फॉर्मल एडुकेशन लिया नहीं लिया. सवाल ये है कि आप कमिटमेंट के साथ क्या कर रहे हो. ठीक है ना, वो जिस जो पढ़ा, अशोक दा के जैसा एग्जांपल भी है. और इवन सुधीर पटवर्धन फॉर इंस्टेंस, उन्होंने कौन सा आर्ट का ऐसे वो किया है, है ना. लेकिन वो भी मेडिकल मेडिकल में, वो ऐसे क्लिनिक में काम करते थे, अपना क्लिनिक में, वो और उनका वाइफ, सारा जीवन काम किया. आज भी वर्किंग क्लास के वर्किंग क्लास के साथ ना मिलकर नहीं बोलूँगा, वर्किंग क्लास सब्जेक्ट पे काम करते हैं और पैरेलली अपने सेल्फ का, उनका क्या लोकेशन है, उस डिफरेंस को भी समझाते हैं, है ना. तो ये तो सवाल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दे विल डिसाइड. और ये सब जो एक स्टेटमेंट देने का मेरा कोई वो नहीं है, मतलब ऑल दिस वर्क्स. वन थिंग आई एम मिसिंग हियर इज कलर. यू आर नॉट यूजिंग कलर. इसमें जिस पूरे एग्जीबिशन में मैं देख चुका हूँ, कहीं भी कलर का यूज़ नहीं है, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट. थोड़ा बहुत, बहुत बहुत कम. मतलब आई कैन सी द ब्रेड इज देयर एंड फ्यू कलर्स. Why do you think black and white is important for you, for this series? Yeah, क्योंकि मैं जिस तरह का अपने, जिस तरीके से
इन लोगों से इंस्पायर्ड हूँ काम को लेके, जो वही चित्त प्रसाद, जैनुल आबेदीन, सोमनाथ होर या कैथे कुलवेद, सो इस तरह के लोग हैं जो जिन लोगों ने पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ अपना एसोसिएशन रहा है। देखिए उस समय पे ये लोग, बहुत सारे लोग ज्यादातर प्रिंट यूज करते थे, है ना, प्रिंटिंग मीडियम लाइक वुड कट, लिनो कट, ऐसा लिथोग्राफी। पहले भी कोहिया का काम देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट, उसका कारण था प्रिंट करने का, रिप्रोड्यूस करने का। अभी मुझे वुड कट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कैमरा है, अच्छा क्वालिटी, आप फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, आप इसको वेक्टर फाइल बना सकते हैं, थ्रेशोल्ड बना सकते हैं, जिससे पूरा एकदम सॉलिड इमेज आपके पास आ जाता है और आप मल्टीपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा काम कोई खरीद के अपना घर में लगा दे, लेकिन इमेज नहीं खरीद सकता ना, इमेज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और हमें करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग मैगजीन में, बुक कवर में, और आपको यहाँ दिखेगा उसे एग्जीबिशन में कैसे एक इमेज कैसे ट्रैवल करता है। इमेज जो इमेज का जो मोबाइल कैरेक्टर है कि वो डायरी से लेके इतना बड़ा इमेज हो जाता है, फिर वही जाके बैनर बन जाता है, वो जाके फिर किसी बुक में कन्वर्ट हो जाता है, उससे फिर जीन बन जाता है, फिर बुकलेट बन जाता है, न्यूज़पेपर में चला जाता है। तो ये जो पॉसिबल, और इसने मैंने कोई अकेला नहीं किया, आप लोग भी करते हो, है ना। और ब्लैक एंड व्हाइट चूज करने का मतलब, क्योंकि जो लो कॉस्ट प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी अभी भी बचा है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत अपना बात पहुंचा सकते हैं, इमेज को ये सिर्फ जो पावर हायरार्की है इसमें ना रख के और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जनरल पब्लिक तक जा सके, हाँ मतलब जो लोग एक्सेस कर पाए ना, राइट, तो उन तक पहुंच पाएगा, तो उसके लिए वो इमेज भी रखना है। सर्वाइवल के लिए अगर कोई खरीदता है इस फील्ड में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ मतलब लोग खरीदे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इमेज को थोड़ी खरीद सकता है वो, कोई खरीद लेगा कि मेरा इमेज में कॉपीराइट थोड़ी कर देगा। तो जो किताब बनाया है उसका भी कॉपीराइट नहीं है, जो जीन बनाया है उसका भी कॉपीराइट नहीं है, इमेज कोई खींच के कहीं पे भी यूज़ करे। अगर मैंने बहुत लोग तो ऐसे भी लोगों ने उल्टा सीधा फिल्म में रांझना, मिशोर रोंशो, उन लोगों ने तो हमारा पेंटिंग ऐसे डिस्प्ले किया, उन लोगों ने थोड़ी बोला है मुझे, बोला था, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट में जो लोग अब ऐसे ही लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर्चा में यूज़ कर रहे हैं, मैगजीन में यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो एटलीस्ट एक्सेसिबल रहेगा, जिनके लिए जिनके साथ बनाया गया है उनको तो इस मामले में तो धोखा नहीं दे सकते ना। आपको ब्लैक एंड व्हाइट एक, और इवन कलर भी जो यूज किया है आप बहुत गौर से देखेंगे उसको, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे, बचपन में जब ड्राइंग सीखते थे ये बहुत कॉमन था कि आपको अगर मोनोक्रोम में कोई कलर, माने किसी कलर पेंटिंग को मोनोक्रोम में कन्वर्ट करने के बाद उसका अगर टोनल वेरिएशन ठीक है, यू नो कॉन्ट्रास्ट ठीक है, इसका मतलब आप ठीक ठाक कलर एप्लीकेशन किए हैं। तो मैंने कलर यूज किया भी है लेकिन उस कॉन्ट्रास्ट को समझते हुए, अगर किसी जगह पेंटिंग में, क्योंकि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके आप एनी टाइम यू कैन यूज फॉर इन अ डिफरेंट मीडियम एंड पर्पस। ओके, टेल मी वन थिंग, डू यू बिलीव दैट आर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ट, द काइंड ऑफ आर्ट यू आर डूइंग राइट नाउ, इट विल हेल्प द सोसाइटी टू चेंज और टू थिंक इन अ बेटर वे, मतलब लोगों की सोच बदल सकते हैं, या लोग आपके पेंट ड्राइंग्स और पेंटिंग्स को देखने के बाद जागरूकता बढ़े उनके अंदर, क्या आर्ट कोई चेंज ला सकता है, डू बिलीव दैट? देखिए चेंज तो सब रास्ते में होगा, वो सब आर्ट फाट से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आर्ट एक उस मूवमेंट का एक हथियार की तरह यूज हो सकता है। और चेंज का मतलब क्या है, चेंज असल में समाज में कोई सोच रहा है, वही सोच आप, मैंने, मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ ना, आप भी किसी कोने में सोच रहे हो, मैं भी किसी कोने में सोच रहा हूँ। देखिए जब फासिज्म भी कोई चीज करता है तो फासिज्म आल्सो यूजेस इमेजिनरी आर्ट इन अ डिफरेंट वे, अगर आप उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं तो यू आल्सो यूज इमेजिनरी इमेजेस, ओके, वेदर इट्स एन आर्ट, वेदर इट्स सम काइंड ऑफ लोगो, व्हाटएवर इट इज, ए पोस्टर हो, लीफलेट हो, कुछ भी हो, पेंटिंग को या ड्राइंग को मैं किस फॉर्म में लेके जाता हूँ वो हर कोई अपने आप उसकी तरह यूज करता है, एक इट्स काइंड ऑफ ए वेपन, समटाइम्स आर्ट बिकम्स ए काइंड ऑफ ए वेपन, ए टूल, इट्स ए काइंड ऑफ ए टूल, राइट? सो डू यू बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ वर्क्स, अगर मुझे आपके काम के साथ 15 मिनट बिताना हो, मैं 15 मिनट यहाँ पे बिताता हूँ, क्या मेरे अंदर कोई चेंजेस आएंगे, क्या सोच बदलेगा? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इंडिविजुअल को एजेंसी पे क्वेश्चन नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका अपना अपना हक है अपने अपने तरीके से देखने का। लेकिन हाँ, जो अटेम्प्ट तो है ऐसा बहुत सारा, जैसे फॉर इंस्टेंस यही देखिए जो ये स्कल्पचर है, ये इसका ये रॉटेननेस
ऐसे रॉटेन कर देता है या टारमाइट जैसा है या उस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये दीवार को ऐसे फांद के निकल रहा है और मतलब तोड़ के निकल रहा है और वहाँ पूरा एक वुड का ऐसा ये वुड बेसिक स्ट्रक्चर है इसका तो जो इसका ड्राइंग है, तो हम लोग जैसे टारमाइट को सोचते हैं है ना, तो टारमाइट क्या हम लोग कैसे देखते हैं, जो आप हम लोग मतलब जो आप अपर क्लास मिडिल क्लास जो बुर्जुआ क्लास है वो टर्माइट को कैसे देखता है या स्टेट कैसे देखता है, उसको लगता है कि टर्माइट इज अ थ्रेट, यू नो टर्माइट इज आउटसाइडर, टर्माइट इज समथिंग विच इज थ्रेटनिंग यू नो आवर व्हाटएवर यूनिटी द हिंदू इज द मेजोरिटेरियन यूनिटी दे थिंक अबाउट. जस्ट गो बैक टू द वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ टू अंडरस्टैंडिंग द टर्माइट फॉर इंस्टेंस, कि टर्माइट आप जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए टर्माइट है थ्रेट, ठीक है, लेकिन आप इधर में चले जाइए टर्माइट गांव में जहाँ पे पानी नहीं है, किसानी नहीं हो रहा है, वो जहाँ पे टर्माइट माउंट देखता है इसका मतलब वहाँ पे वाटर का सोर्स है. तो दिस इज लाइफ, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव, गो बियॉन्ड दिस बाइनरी ना, दिस इज लाइफ. और जैसे कोई आम गिरा और उसमें कीड़ा लग गया और धीरे धीरे वो मिट्टी हो गया, तो कीड़ा क्यों लगता है, रॉटेन क्यों होता है, लेकिन हम रॉटेन वर्ड को कैसे यूज करते हैं, हम देखते हैं कि इवन लाइक आई हैव टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट हाउ इवन द कम्युनिस्ट पार्टी यूज द टर्म ब्लैक लॉज इन द टाइम ऑफ फार्म बिल, है ना, ब्लैक लॉज के साथ क्या संबंध है, दिस इज अ वाइट लॉ, दिस इज अ वेरी वाइट लॉ, यू नो इट्स नॉट अ ब्लैक लॉ एट ऑल. तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, तो ब्लैक कलर का यूज करना, दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस, यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड रॉटन, मेरे लिए रॉटन नेशन मतलब बहुत वो है, मतलब इन अ सेंस इट्स नॉट नेगेटिव इन दैट वे, मेरे लिए रॉटन नेशन मतलब जैसे ये लोग पूरा देश को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और इसलिए टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन कॉग्स इन द मशीन, मतलब कि आप हर समय बोलते हैं कॉग्स इन द मशीन, कॉग्स इन द मशीन, जैसे हम लोग ट्रैप में आ गए हैं मशीन, इस पूरा जो मशीनरी है कैपिटलिस्ट बनिया और फैसिस्ट का जो मिक्सर अलायंस का जो नेक्सस का जो जो सिस्टम है, वो लगता है कि हम लोग उस ट्रैप में आ गए हैं, लेकिन बात सही नहीं है. सब लोग जो चिल्ला के किसी का खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ वो प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत लोग साइलेंस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. True. बहुत लोग बिलीव करते हैं कि या ओके आई एम अ कॉग इन द मशीन बिकॉज आई हैव टू ईट, आई हैव टू यू नो सर्वाइव, बट स्टिल आई बिलीव दैट आई एम अ ब्रोकन कॉग इन द मशीन. ओके, देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकननेस इज हैपनिंग टुडे. सो ब्रोकननेस इज नॉट जस्ट अ वल्नरेबल थिंग, ब्रोकननेस इज ऑल्सो अ काउंटर पावर अगेंस्ट दिस सॉलिड इल्यूजनरी सिस्टम. उसके अंदर ये सब ब्रोकननेस है, मतलब ये सब ब्रोकननेस है, एक एक इमेज जो एक्चुअली दे हैव देयर ओन वॉइस, वट एवर आई ड्रॉ हेयर लाइक वो मैं जैसे देखता हूँ मेरा सोच का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये मैं किसी के बिहाफ में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, किसी ना किसी कास्ट के बिहाफ में, किसी क्लास के बिहाफ में, किसी के बिहाफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जैसे देखता हूँ दुनिया को, मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है, दिस आर स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन, इन दैट वे इफ यू सी दिस आर नॉट सिंगुलर इमेज, हाउ आई डिस्प्लेड द वर्क, देर इज नो सिंगुलरिटी, इट्स ऑल आर कमिंग टुगेदर एंड क्रिएट ट्राइंग टू क्रिएटिंग अ कैओस और लाइक काइंड ऑफ यू नो ऑल आर स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन. जैसे हम लोग बचपन में स्केच करते थे ना, तो स्केच करने का क्या मतलब होता था, आप एक इंसान को देख के स्केच कर रहे हैं और देख देख के स्केच कर रहे हैं और फेंक दे रहे हैं, आप पूरा इंसान को थोड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ कुछ आपको लग रहा था उसका कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ रहे थे, कुछ कुछ पकड़ पा रहे थे, थोड़ा पकड़ पा रहे हैं, अब रख दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे स्केच में अगर 50 स्केच बना किसी एक इंसान का, कौन सा है उसका रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन का सवाल सिर्फ नहीं है, सवाल उससे भी बियॉन्ड है, बहुत सारा जो हम लोग अब जो चेंज की बात कर रहे थे, तो हम लोग चेंज कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग किस तरीके से दलित को रिप्रेजेंट किया गया, किस तरीके से वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया गया, जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ड्वार्फ टाइप का कैरेक्टर है ना, ड्वार्फ को हम लोगों ने सब समय क्या बोला है, ये तो हिस्टोरिकली मेटल वर्कर्स हैं ना, माइनिंग के मेटल माइनिंग के वर्कर्स होते थे हिस्ट्री में अगर देखते हैं, या जो बड़े बड़े पोप और उन लोगों का पीछे से वो वेल जो पकड़ के चलते थे वो ड्वार्फ थे. हमारे देश में हम लोग जो नाटा करेक्टर ऐसा होता है उसको हम लोग सर्कस के जोकर बोलते हैं, लेकिन जोकर इन सेम टाइम एज एन लाइक आर्टिस्ट एज वेल एज वर्कर. हाँ, तो यहाँ पे ये सब ड्वार्फ कैरेक्टर जो है वो एक वो जो
चेस का जो स्मॉल जो जो सोल्जर होता है ना वैसा दिखने में 32 सोल्जर्स है जहाँ पे ग्रामशी का कोट लिखा हुआ है कि द क्राइसिस कॉन्सिस्ट प्रिसाइसली इन द फैक्ट दैट ओल्ड इज डाइंग एंड न्यू कैन नॉट बी बॉर्न इन दिस इंटरग्नम ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉर्बिड सिम्टम अपीयर्स. इसमें 32 ऐसे जो पॉन्स हैं वो सब कॉन्फ्रंट कर रहे हैं. इट्स नॉट अ गेम. गेम लाइज इन द चेस बोर्ड नॉट ऑफ द चेस पीसेस है ना. तो इस तरीके का अलग 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 छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन है. इसका किसी का ड्वार्फ कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है मामला सिर्फ. ओके दिस इज सम सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंकिंग एंड ड्राइंग.
Anupam, how do you capture chaos, like in your art, आपके creations में? There's a lot of chaos, and it's very difficult to capture chaos. और chaos को portray करना difficult है, हर कोई नहीं कर सकता. So how to capture chaos and transform it into, you know, images? Let's do it in a different way. Not giving you a kind of narrative. Rather, let's talk it a little bit theoretically. See how Gramsci was, you know, describing that that there are a lot of historical traces that actually history left us. जो इतिहास हम लोगों को ऐसे बहुत सारे ट्रेसेस दे के जाते हैं. हमारा काम है उसको कंपाइल करना, कंपोजिशन करना एंड गिव यू क्रिएट एन इन्वेंट्री. सो फॉर केओस जिस तरीके से इतने समय तक समझा गया है कि एक लेवल पे वो एक तरह का एनार्किस्ट, एक तरह का हिप्पी टाइप का वैसा एटीट्यूड से लोग केओस को देखते हैं, है ना, कि बहुत सारा कुछ चल रहा है और सब कुछ एक तरफ है. वो काम मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए ज़रूरी है कि उस स्ट्रेसेस को एक तरीके से लाना, लेकिन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सेंस, इन अ वेरी कॉन्स्ट्रक्ट वे. लाइक इट्स वेरी वेल थॉट, लाइक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. मैंने बहुत सोच समझ के ये सब अपने अपने जगह पर लगाया है. और सिर्फ अब मैंने नहीं लगाया, मतलब मेरे साथ बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ थे जिन लोगों ने अपना इनपुट दिया. ऐसा करके पूरा कॉन्स्ट्रैक्ट तरीके से सजाया गया है कि आप जिस तरीके का डिस्प्ले है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया कहीं पे लगा दिया, ऐसा नहीं है. गैलरी स्पेस को समझना, गैलरी स्पेस का पॉलिटिक्स को समझना, नॉट ओनली द डिस्प्ले, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द केओस इन योर आर्ट आल्सो. सो हाउ कैप्चर इमेज इन अ सेंस टू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. Like, okay, then let's talk about that. Was it spontaneous? It's not spontaneous. Was chaos spontaneous with you? No. You thought about it. एकदम. और chaos तो है, मतलब आपको अलग से chaos का करने का क्या है. आज उस मतलब जैसे लगता है रील की तरह है ना, आज के डेट का घटना है. आप कहीं पहले नाजिब गायब हो गया तो फिर कहीं बहुत साल बाद नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है. कोई अफराजुल मरा तो कोई अखलाक, कोई अनीस खान को बंगाल में मार दिया. तो मतलब एक के बाद हो रहा है, घटनाएं चलती जा रही हैं, लेकिन बहुत सारा ट्रेसेस रह जाता है. जैसे आप कोई जैसे जेएनयू का दीवार देखो, या जादवपुर यूनिवर्सिटी का दीवार देखो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दीवार देखो, उसमें ऐसा क्या है, सब लोगों ने पूरा जेएनयू में सब पूरा पोस्टर्स को हटा दिया, है ना, लेकिन देयर आर ट्रेसेस, है ना. आप दीवार में लिख दोगे और दीवार को मिटा दोगे, लेकिन उसका ट्रेस रह जाएगा कहीं ना कहीं. तो काम ये है कि आप उस ट्रेसेस, हर ट्रेसेस को एक जगह लाइए और उसको एक इन्वेंट्री की तरह बनाइए. जैसे मैंने एक किताब बनाया, अभी बात हो रहा था जो आपसे कि थ्रू आपने भी अभी एक किताब बनाया है, तो किताब के थ्रू आपको घुस जाना है ना. जैसे आप खुद भी बोलते हो, है ना, कि आपको किताब के थ्रू पूरा उनके घर तक घुस जाना है, क्योंकि वो लोग एडुकेशन में उन्होंने पब्लिकेशन के थ्रू वो रह जाएगा. ये काम शायद किसी के घर में चला गया या रास्ते में लगा दिया तो फट गया, खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर किताब की तरह बना के रखो, एक बार पब्लिकेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इंदिरा गांधी और उस समय पे बंगाल फैमिन का जो पूरा हंगरी बंगाल बनाया था चित्र प्रसाद ने, सब जला दिया, लेकिन दो चार कॉपी बचा हुआ था ना किसी के घर में, तो फिर से उठ के आ गया, वो जिंदा हो जाएगा. तो आपको कहीं ना कहीं उस फॉर्म में भी, अलग अलग फॉर्म, मतलब वो वीडियो हो, वो बुक का फॉर्म हो, है ना, वो ऐसे गैलरी स्पेस में हो, कोई बाइनरी नहीं है. मतलब ये गैलरी स्पेस में मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं रास्ते में काम करता हूँ, है ना, गैलरी स्पेस में तो जनता की बात नहीं आता है. ये जो सब मतलब एक तरह का बाइनरी तरीके से देखने का जो जो सवाल है, उसको वैसे करके देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ आप इन्फिल्ट्रेट कीजिए, आप घुस जाइए और आपको जो कहना है आप कीजिए. आपको यहाँ तक आने के लिए ऐसा नहीं है ना कि आपके पास पावर नहीं है. आपको भी बुलाया है तो आपका कोई पावर है ना. ऐसा नहीं, मैं पावर स्ट्रक्चर के बाहर हूँ, है ना, कोई एकदम गिरा पड़ा हुआ कोई हूँ. मेरे पास अगर वो प्रिविलेज है यहाँ तक आने का, लेकिन उस प्रिविलेज को कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. तो केओस इन दैट वे सिर्फ क्या बोलूँ,
chaos is not just only spontaneous expression that mm-hmm. you know, that's how we understand expressionism in history. But now today when we are using the similar language, we have to be very critical about it. We have to be critical about, like, see, there is a something called surplus and there is something called excess. ये एक्सेस ऑफ इमोशंस है, एक्सेस ऑफ एक्सपीरियंस है, एक्सेस ऑफ थिंग्स जो हैपनिंग, जो हो रहा है चीज़ें, और वो हिस्टोरिकली रूटेड है. तो आपका काम है उसको हिस्टोरिसाइज करना और उसको पॉलिटिसाइज करना, पॉलिटिकली उसको समझना. क्योंकि ये कोई आज नहीं कि 2014 में कोई फैसिज्म आ गया, ठीक है. फैसिज्म का बहुत ये सब, जितना बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी जितना पुराना है, आरएसएस उतना पुराना है, है ना. तो आपको उस एक, आप जब किसी इस समय पे आप स्टेट को समझ रहे हैं या उसको समझ रहे हैं, आपको वो सब चीज़ें समझ के उस केओस जिसको आप बोल रहे हैं, उस जिसको मैं केओस ना कह के अब मैं बोलूँगा कि एक्सेस ऑफ एक्सपीरियंस है ना. वो मेरा पर्सनल भी है और इनेबिलिटीज़ के मैं पर्टिकुलर किसी जियोग्राफिकल लोकेशन से आता हूँ, पर्टिकुलर किसी कास्ट से आता हूँ, किसी पर्टिकुलर किसी जेंडर से आता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना हर किसी के किसी को समझना. तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि वो इम्पॉसिबिलिटी जो है कि मैं बहुत चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ. तो आज के डेट में सिर्फ कॉल नहीं है, ये बहुत ही ऐसा डीप मैस्कुलिन कॉल नहीं है, रादर आपको एज एन आर्ट प्रैक्टिशनर्स आपको खुद को भी समझना बहुत जरूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है. क्योंकि एक पूरा मतलब पूरा मीडियोक्रेसी में जी रहे हैं ना एक तरीके से. उस मीडियोक्रेसी का मैं भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं भी अगर ये पूरा आर्ट सोसाइटी या पूरा कल्चरल मिल्यू जो है हमारा, ठीक है, मेरा कल्चरल मिल्यू डिफरेंट है, आपका कल्चरल मिल्यू डिफरेंट है ना, मेरा नेबरहुड डिफरेंट है, आपका नेबरहुड डिफरेंट है, मेरा सोसाइटी डिफरेंट है, एक ही सोसाइटी में रह के दोनों डिफरेंट है. लेकिन लार्जर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो यू नो जो बनिया कैपिटलिस्ट और स्टेट का जो अपना नेक्सस है, उस बीच में कोई आर्टिस्ट इस पूरे चीज़ों से बाहर भी नहीं है पावर स्ट्रक्चर के उस सेंस में. तो उस आर्टिस्ट को अपने से, मैं पार्टी मेंबर हूँ लेकिन जैसे मुझे अपना पार्टी का क्रिटिक करना है उस तरीके से मुझे अपना क्रिटिक करना है और सोसाइटी का क्रिटिक तो करते जाना है. तो ये जो तीनों मिला के जब आपके पास आता है ना, एक तरह का एक्सेस प्रोड्यूस होता है, एक्सेस EXCESS एक्सेस प्रोड्यूस होता है. इट्स वेरी यू नो जॉर्ज बताई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस आइडिया यू नो एक्सेस का. तो एक्सेस है वो रादर देन chaos है, इन अ सेंस ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड chaos through as I said earlier you know regarding the anarchist understanding of chaos. I'm not like just against anarchism or anything. These are different ways of understanding the societies, different ideologies that trying to understand the, but the main point is we also need to understand the politics, take it very seriously, the dominant politics, not only the counter politics that we are part of. You know, the we need to understand the politics of RSS, BJP, capitalism, whatever you say, this and the whole academia, whole galleries, these cultural hierarchies and everything. Then also you can't be outside of it, and you are not outside of it. Anna, when you enter into the production, any form of this production is not outside the capital mode of production. You are using, you are exploiting certain kind of medium, certain kind of using the certain kind of material, and you said no, मैं तो भाई इसमें नहीं हूँ. ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी अगर डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो आप उसका पार्ट हो. और ये आर्टिस्ट का जो एक क्या बोलते हैं, एक जो एक आर्टिस्ट का जो होता है ना कि एक आइकॉनिक एक तरह का बहुत लार्जर देन लाइफ एक इमेज बनाने की कोशिश है, उसको तोड़ने की पहले ज़रूरत है. एंड इट इज एज सिंपल लाइक अदर पीपल दोज हु आर यू नो इन द ग्राउंड. ट्रू, वेरी ट्रू. I don't know, I can get We had a really good session today and thanks to you Anupam. Bahut hi engaging session raha with Artkeeper and I hope, I seriously hope that more and more people will visit your exhibition aur ye dekhna chahiye aur maybe appeal kar raha hu sabko through Artkeeper that people should come here physically to see the exhibition, not only through YouTube but physically they should come and see the drawings. Thank you so much Anupam for talking to Artkeeper. Thank you for your time. Thank you. And I wish you all the best. Thank you. Thank you. Please support Artkeeper. Subscribe and share with your loved ones and friends. Support Artkeeper. Thank you so much.